ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस मामले में वाराणसी के जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनने योग्य माना है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल 11 के तहत ये केस नहीं आता है। हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर फैसले के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष कानूनी रूप से इसे चुनौती देने की तैयारी में लग गया है। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेष ने फैसला दिया। उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के अनुसार कई तरह की दलीलें रखी थी। कई तस्वीरें ऐसी थी जिस पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनवाई योग्य मान लिया। इसी के तहत कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने खास तौर पर मुस्लिम क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई में अपनी दलीलें और सबूत रखेंगे। इस पर मुस्लिम पक्ष चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने इस पूरे फैसले को पढ़ने समझने की बात कही है। इसके साथ वो हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, किसी भी मामले में अपील करना कानूनी अधिकार है। अब इस मसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अंजुमन इत्तेजामिया कमेटी हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने एक बयान जारी किया। कहा, इस पूरे फैसले को पढ़ा जाएगा और उसके बाद ही आगे क्या करना है ये तय करेंगे। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो कहा था उससे उम्मीद जगी थी कि अब देश में मंदिर मस्जिद से जुड़े सारे विवाद हमेशा के लिए हल हो गए हैं। उसके बावजूद ये फैसला आया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस पर हमारी लीगल टीम स्टडी करेगी और आगे क्या कदम उठाना है ये तय किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष अभी इस फैसले को किसी ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात साफ साफ नहीं कह रहा, लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई फैसला लेने की मनाही है। 1991 का ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसी रूप में रहेगा। हालांकि अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।